दोस्तों जा रहे हैं यहाँ से, बाहर निकल चुके हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ना बारिश हो गई है। ये देखिए बना दिए हैं। हाँ जी, गोबर खुखड़ी रखा था, कहा है बोली तो झाप का मारिएगा, गोबर खुखड़ी है ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू नी ब्लॉग, सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। मैं सोंगे सौ सोंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं डाल्टनगंज प्लामू से छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और प्यार दे दोस्तों, और देहाती बहू सुषमा को तो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम कहीं जाने वाले हैं, घर जा रहे हैं, अचानक से हमें घर जाना पड़ रहा है और मेरे घर पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम मिलने जा रहे हैं दोस्तों। और एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं, समझे दोस्तों, तो इसीलिए अचानक से मुझे घर जाना पड़ रहा है। और तो सो दोस्तों आज ना खाना वगैरह बना करके जा रहे हैं, और खाना वगैरह बना करके बाबू तो को नाश्ता करके नाश्ता बना करके भेज दिए हैं। और ये देखिए हमारे पतिदेव जी लाए हैं मशरूम, जो ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनको बोल रही हूँ कि ये है गोबर खुखड़ी कि नहीं खाया जाता है, और ये एकदम इस खुखड़ी के लिए मुझसे लड़ाई करने लग रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जबकि गोबर खुखड़ी नहीं है, अच्छा सोरवा खुखड़ी है। तो वो आप बताइएगा कि ये सोरवा खुखड़ी है या गोबर खुखड़ी है। दोस्तों ये देखिए इसके लिए बहुत जोरों से झगड़ा कर रहे हैं मेरे से। सो दोस्तों यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं, मिर्चा डाल दिए हैं, और इसको हम बना दे रहे हैं, नहीं तो मार खाना पड़ेगा भैया, गुस्सा के मार देगा तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इसको हम बना देते हैं ऐसी भुंजिया टाइप से। अब लाए हैं तो बना ही देते हैं, जाओ, ऐसे तो हम लोग नहीं खाते हैं, और लाल लाल है ना दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। हम लोग ये खुखड़ी नहीं खाते हैं, मशरूम ये वाली, ऐसा मशरूम हम लोग नहीं खाते हैं, जो उगता है ना जब सीजन टू सीजन तो ही हम लोग खाते हैं। और मैं भी मतलब मुझे भी पहचानने आता है कि मशरूम कौन सा है, खुखड़ी कौन, सोरवा खुखड़ी कब उगता है, सोरवा खुखड़ी डीला में उगता है दोस्तों, तो अभी उसका सीजन नहीं है, तो फिर भी चलिए बना लेते हैं और घर। सो दोस्तों आज हम बना दिए हैं मशरूम, फर्स्ट टाइम मशरूम, इस साल का फर्स्ट टाइम मशरूम बनाए हुए हैं, और वो गोबर खुखड़ी ये देखिए बना दिए हैं। हाँ जी, गोबर खुखड़ी रखा था, कहा है बोली तो झाप मारेंगे ना तुमको, झाप का मारिएगा, गोबर खुखड़ी है ये तो नाम है, अगर गोबर खुखड़ी है तो क्या बोलते हैं। सो दोस्तों तैयार से हो चुके हैं, चलते हैं घर और लाइट वगैरह बंद कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ से तैयार शेयर हो चुके हैं, 8:55 में हमारी गाड़ी है, ट्रेन है, और देखते हैं मिलती है कि नहीं, चलिए जल्दी चलिए। दोनों तो तू निकल लेता, कैसे करते हैं निकले ना, खाओ हमारा सी में चल भी देते हो। तो यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल, और आज गाड़ी हमारी दोनों निकल गई है, ठीक है, तो इसीलिए हड़बड़ और हड़बड़ जाना पड़ रहा है, पता नहीं मिलेगी। सो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं विनोद भैया के पास में, और घर जाना था हमें। सो दोस्तों तो आज तो हमारी फिर से ट्रेन छूट गई है, और हम यहाँ पे भैया के पास बैठ गए आकर के, जिसकी शायद सोचे कि गाड़ी भैया क्या होगा, तो भैया का बड़ा वाला गाड़ी है इसलिए हम लोग नहीं ले गए, और वो गाड़ी चलाने भी नहीं आएगा, 2-3 बैठ भी नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा सा गाड़ी है। और ये देखिए ये है तेज पत्ता, ये तेज पत्ता हम तोड़ ले रहे हैं, मायके ले जाएंगे। ये देखिए भैया का घर में है तेज पत्ता लगाया हुआ, अपना गांव से लाए थे, सूख गया है, इसको तोड़ लेंगे। ये देखिए बाय बाय, बाय बाय, कैमरा में देखो, बाय बाय दीपू, कैमरा में देखो, बाय बाय देखो। हेलो दोस्तों कैसे हैं, गुड इवनिंग आप सभी को, प्यार भरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सॉरी। तो अभी शाम हो चुका है, शाम 3:45 हो रही है, और हम जा रहे हैं घर, और सुबह भी निकले हुए थे घर जाने के लिए, और इतना काम हो जाता है कि नहीं जा पाते हैं, ठीक है, इसीलिए तो लेट हो जाएगा। और ये देखिए हमारे पति देव जी फुटकलवा डाल लिए हैं, और हम लोग चल रहे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया
बिल्कुल अच्छे हैं। आप ज्यादा मुंह मत चलाइए जी, लड़ते हैं ना, लड़ाई कम कीजिए, समझे ना। चलिए दोनों बैग डालिए। तो हम जा रहे हैं घर और हमें ना मायके में जाना है और कुछ ऐसे हो गया है तो अचानक से जाना पड़ रहा है और फिलहाल ही घर से आए हुए हैं। तो खबर आया तो भाई सुनने को मिला, तो हम जा रहे हैं घर और आपको घर में जाकर के पता चलेगा क्या चीज है या नहीं। तो दोस्तों जा रहे हैं यहाँ से, बाहर निकल चुके हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ना बारिश हो गई है और ये देखिए कहीं निकलते हैं ना तो ऐसे ही गुस्सा करते हैं। देखिए वो गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही और गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर। और यहाँ पे बारिश हो रही थी और 4 बजने वाला है। दोस्तों फिर से जा रहे हैं गाड़ी पकड़ने ट्रेनवा हम लोग का छूट भी जाता है दोस्तों। और ये देखिए बारिश हो गई है। सर दोस्तों निकल चुके हैं, ये देखिए मेन रोड पकड़ लिए हम लोग जाने के लिए स्टेशन। और आप हमेशा से देखते हो कि जब भी हम घर जाते हैं ना तो इसी रास्ते से जाते हैं। दोस्तों आप लोग भी बोर हो गए होंगे तो इससे ज्यादा हम नहीं दिखाएंगे आपको, तो चलते हैं सीधे थोड़ा सा स्टेशन पे, हम मिलेंगे रांची। सो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ रांची स्टेशन और अभी जस्ट आए हुए हैं और 4:35 हो रहा है और चलते हैं हम देहरी टू सासाराम ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे रांची स्टेशन है तो पहुँच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जोहार झारखंड, रांची स्टेशन मेन गेट है यहाँ पे। तो चलते हैं। सो दोस्तों ये देखिए यहाँ का नज़ारे शाम का मस्त व्यू। तो ये देखिए दोस्तों ये रांची सासाराम है ट्रेन, रांची टिहरी सासाराम। और ये है हमारे पतिदेव जी जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हम, ट्रेन चढ़ गए और सीट भी मिल चुकी है। यहाँ देख सकते हैं बहुत आगे मैं आ चुकी हूँ और आज इतनी भीड़ है कि क्या ही बोल, बहुत ज्यादा भीड़ है और सीट भी नहीं मिल रहा था, मतलब हम लोग सीट के चक्कर में बहुत आगे आ चुके हैं इंजन के सामने। ये देखिए यहाँ पे और बहुत पीछे से मैं आ रही हूँ। ये देखिए दोस्तों आ चुके हैं यहाँ डाल्टनगंज अपने नगरिया में, पलामू में आ चुके हैं यहाँ। और ये देखिए रांची सासाराम ट्रेन, तो इसी से मैं आई हुई हूँ और आज काफी लेट ट्रेन कर दी है। ठीक है, दोस्तों गुड मॉर्निंग, प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी हो चुकी है सुबह और सुबह ना कल बहुत रात हो चुकी थी, हम लोग आते आते 11 बज चुका था और पूरा थक चुके थे, गाड़ी वगैरह भी नहीं मिल रहा था, बहुत इधर उधर लिफ्ट करते करते आए और 11 तो बज गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग कल का एंड हमारा नहीं हुआ था ऐसे और लाइट भी नहीं था कल, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अभी हम शुरू कर रहे हैं ब्लॉग और हम आ चुके हैं घर अपने गांव विलेज में। तो अपने गांव आए हैं तो भाई देख सकते हैं और यहाँ पलामू में इतनी गर्मी है कि क्या ही बोले, बहुत ज्यादा गर्मी है और एकदम गर्मियों से एकदम हालत ही खराब है दोस्तों। चलिए ये देखिए हमारे घर में है,
बैठे हुए हैं। ये देखिए हमारे हस्बैंड जी, देखिए ये बार बार जब हम ब्लॉग को बनाते हैं ना दोस्तों, तो हमारे घर में इसी तरह से बोलते हैं, क्या ही बोले हम एकदम, हम एकदम आप लोग कैसे होता है ना आप लोग बताइएगा, इसीलिए हमको गुस्सा आने लगता है जब भी। ये देखिए तो सो दोस्तों, यहाँ पे ना पानी हमारा इतना दिक्कत हो गया है जो कि स्टार्टर खराब हो गया है हमारा, और स्टार्टर खराब हो गया है। और ये देखिए हमारा खाना वगैरह हमारे किचन में बन चुका है, मेरे नहीं बड़ी दीदी का किचन है, तो यही बना हुआ है, खाना बन रहा है। ये देखिए चावल दाल बन गया है, और मैं बोली हूँ मेरे भैया, मतलब भैया आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हम ना अंडा वगैरह बना, अंडा करी बनाएंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको देखने के लिए, मेरे यहाँ कौन आ रहे हैं गेस्ट, ठीक है, और हम आपको बताएंगे कैसे, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कौन आ रहे हैं, ठीक है। और आज का ब्लॉग रांची टूर डालते हैं, इनका ब्लॉग रखते हैं यहीं तक, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये देखिए हमारा जो रूम इस तरह से बिखरा हुआ है, लाइट को जला देते हैं, एकदम आए बस ऐसे ही थोड़ा सा झाड़ करके सो गए, एकदम जरा सा भी इच्छा ही नहीं कर रहा था, ऐसे ही झाड़ू वगैरह भी लगाना है। हमारा सामान लैगेज वगैरह जो था वो ऐसी है, बैग ये सब देखिए, हमारा बैग जो हमारा सामान वगैरह ऑलरेडी हमेशा ही रहता है इसमें, जैसे जाता है वैसे ही रहता है, जो जरूरत का सामान होता है माइक ट्राइपॉड ये सब होता है इसमें। और ये देखिए आम ना लाए हुए हैं, तो इस तरह से देखिए सब्जी ये है, और इस तरह से खराब हो चुका है दोस्तों, ये कर्मी का साग भी लाए थे, एकदम आम ही पूरा खराब हो गया है एकदम। तो चलते हैं साफ सुथरा झाड़ जुगाड़ लेते हैं, झाड़ लेंगे और साफ सुथरा कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम मिलते हैं नहा धोवा करके, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग। और चलिए साफ सफाई करना बहुत ज्यादा काम हो जाता है, मतलब ऐसे फिलहाल ही गए और अभी आए हैं तो इस तरह से गंदा ही है, ठीक है, तो इसको भी, और पानी की भी बहुत नतीजा है एकदम, यहाँ गिर जा जिसको बोलते हैं, बहुत दिक्कत है, गर्मी भी बहुत हार्ड है दोस्तों। सो दोस्तों अभी शाम 2 बज चुका है, 2 बज गया है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी शाम हो चुका है यहाँ हमारे घर में पलामू में, ठीक है, और बहुत गर्मी भी है। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे पतिदेव जी खुखड़ी लाए थे ना, मशरूम लाए थे, और मैं भी खाई थी ना, डर डर के हम लोग खाते पहली बार, लेकिन सचमुच अच्छा ही लगा था ना जी, है खुखड़ी कैसा लग रहा था, गर्मी बहुत है दोस्तों इसीलिए कुछ नहीं पहन रहे, एकदम इतना गर्मी है ना जी की क्या ही बोले, हम लोग को तो मजबूरी है क्योंकि हम लोग को साड़ी घूंघट पे रहना है, और ये पतिदेव जी का तो मजबूरी नहीं है कि ना, इनका घर है का जी, घर पर ना घर है ना, अपन घर बात का डर बा। और ये देखिए ट्रेडिशनल तरीके से जाता है, इसमें दाल दाल आता है दोस्तों, हमारे घर में भी मतलब मौसी के यहाँ से लाए थे, हमारे मौसी जी है ना सासू मम्मी वहां से लाए हैं, तो भाई और मशरूम सचमुच बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी लगा था, मुझे लगा कि चलो मैं अपने व्यूअर्स को बता ही दूं, देखिए बहुत टेस्टी लगा था, वो खाइएगा ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं होता है, आप लोग खाइएगा मस्त एकदम, बहुत अच्छा लगेगा, जहां मिलता है आप उठा करके खाइएगा तो बहुत। और हम लोग भी ना सोच रहे थे कि हम लोग वो सचमुच नहीं खाते हैं, लेकिन एक बार ये हमारा फर्स्ट टाइम ट्राई हुआ तो अच्छा ही लगा, ठीक है, तो इसीलिए बताना था दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे आपके साथ, कंटिन्यू बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय।